पहले लव मैरिज की, फिर पत्नी ने की मायके जाने की जिद, तो पति ने काट डाली ना। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। ग्वालियर के घाटी गांव इलाके में यह दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। फूलकापुरा में रहने वाली 30 साल की मीना आदिवासी की, उसके पति ने नाक काट डाली। पति प्रीतम आदिवासी शराबी है, जो रोज शराब पीकर आता है। जब मीना विरोध करती तो प्रीतम उसके साथ मारपीट करता था। होली के दिन भी प्रीतम शराब पीकर आया और घर में झगड़ा करने लगा। इससे परेशान होकर मीना ने अपने मायके जाने की ठान ली। जब मीना घर से बाहर जाने लगी तो पति प्रीतम नाराज हो गया और मीना पर हमला कर दिया। उसने ब्लेड से मीना की नाक काट दी। मीना लहूलुहान हो गई। पति प्रीतम मीना को जान से मारने की धमकी देकर घर से भाग गए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर। सगी बहनों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, एक की हालत चिंताजनक, फरार हमलावर की तलाश। दिल्ली से सटे लोनी क्षेत्र में दो सगी बहनों पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में घायल एक बहन की हालत चिंताजनक है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वह भर्ती है। दूसरी बहन को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने हमलावर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। लोनी थाना अंतर्गत प्रेम नगर कॉलोनी में नब्बन सपरिवार रहते हैं। वह कपड़े बेचने का काम करते हैं। घर पर नब्बन की पत्नी जहरा और साली मौजूद थे। बुधवार की रात करीब 8 बजे पड़ोस में किसी युवती के हल्दी समारोह में हिस्सा लेने के लिए जहरा अपनी छोटी बहन हिराज के साथ जा रही थी। इस बीच पड़ोस में एक धार्मिक स्थल की देखरेख करने वाला व्यक्ति मौजूद था। आरोप है कि वह व्यक्ति दोनों बहनों को देखकर घूरने लगा। विरोध करने पर दोनों बहनों पर चाकू से हमला कर दिया गया। जान बचाने के लिए भागने के दौरान हिराज गिर गए। आरोपी ने उस पर चाकू से कई वार कर दिए। बाद में हमलावर ने जहरा को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बहनों को लोनी CSC में भर्ती कराया। हिराज के हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली के अस्पताल GTB भेजा गया। बाद में वहां से उसे सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया। हिराज की जान बचाने के लिए डॉक्टर 3 ऑपरेशन कर चुके हैं। जहरा को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बताया गया है कि आरोपी पहले मीट की दुकान करता था, इसके चलते गली में अक्सर गंदगी रहती थी। इस बात को लेकर 3 माह पहले दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। उधर ACP राजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी आसिफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। फरार आसिफ की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंस्टाग्राम पर हथियार की तस्वीर अपलोड करना पड़ा भारी, युवक गिरफ्तार। जिले की ग्रामीण पुलिस ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर हथियार के साथ फोटो अपलोड करने वाले एक युवक की पहचान कर उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि इंस्टाग्राम ID व सोशल मीडिया पर बदमाश व्यक्तियों द्वारा हथियारों के साथ फोटो एवं सोशल मीडिया पर बदमाशान को फॉलो करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के जोधपुर ग्रामीण के समस्त थानाधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए हैं। इस पर गुरुवार को पिपाड़ शहर थानाधिकारी SI प्रमित चौहान ने असूचना एकत्रित कर इंस्टाग्राम ID व सोशल मीडिया पर बदमाश व्यक्तियों द्वारा हथियारों के साथ फोटो एवं सोशल मीडिया पर बदमाशों को फॉलो करने वाले लोगों की सूचना पर कोसाना पीड़ा पिपाड़ शहर निवासी महावीर पुत्र मोहनराम बिश्नोई को पकड़ा गया। कुछ दिन पूर्व महावीर द्वारा अपने इंस्टाग्राम ID पर हथियार की फोटो अपलोड की थी, उसे शांति भंग में गिरफ्तार कर पाबंद करा गया। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।